भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च बेंगलोर ने भोपाल में होटल सयाजी में हार्नेसिंग ग्रोथ इन हेल्थ केयर विजन 2023 पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षाविदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, छात्रों और उम्मीदवारों। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष शुक्ला, निदेशक टीकाकरण NHM डॉक्टर पंकज सोमानी, वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण UNDP डॉक्टर शालिनी कपूर टीम लीड थे। When the patients were coming to the clinics and doctors examine and prescribing medicines, now it has changed how the managers are managing the public health program. So this transformation has brought into how the role of public health manager in managing program and taking the services till the last milestone. And in this, the technology is going to play. Hard press to integrate offline, online, and to create an integrated healthcare system. So, with that perspective, if we see, there has been also a lot of transition in the role of healthcare managers with respect to technology, with respect to the process flows. So, beginning my session, I would request Ms. Asta, like we have a mix of industry from a person who can enable value and help in valuabilization. Thank you, Ms. Asta. So it's been like the healthcare managers are going to be a catalyst in enabling this change because they are the real person anchoring the entire change, besides the clinician, I would say. So improve the health. So, yeah. Thanks, sir. Thanks, Dr. So it's a hard stop. We'll go for the next panel. Please, big round of applause for the panel. नाम बता दीजिए आपका। पीयूष कुमार।
बेसिकली यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. डेफिनेटली डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, सॉरी डॉक्टर संतोष शुक्ला एंड बहुत सारे लोग विद सपोर्ट ऑफ निपी, यूएनडीपी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पब्लिक हेल्थ यहाँ पर हेल्थ की स्टेटस इम्प्रूव करने में कार्य कर रही है. लेकिन चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट. जो बदलाव आता है वो समय के साथ अभी डिजिटाइजेशन पर बहुत कार्य हो रहा है और हम लोगों ने आज देखा कि कैसे डिजिटाइजेशन डिजिटल स्पेस को यूज करते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ को और भी अच्छा लेकर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग द कवरेज एंड द रीच अमंग द पीपल. तो इसी में IIHMR बैंगलोर, हम लोग बैंगलोर से आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च एंड हम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द यंगस्टर्स इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट. तो IIHMR बैंगलोर और IIHMR ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट और एलुमनाई हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सहयोग दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर सिस्टम. आपका पहला प्रोग्राम है? हाँ, भोपाल में ये हमारा पहला प्रोग्राम है with respect to connecting with all the important stakeholders and bringing healthcare at once. क्या आप इसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक में? मीडिया के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि आज के दौर में हेल्थ केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई मैन पावर की जरूरत है जो जन जन तक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके. काफ़ी स्टेप्स हम ले चुके हैं लेकिन स्टिल माइंड. तो हम ये कहेंगे कि जितने भी यंग माइंड हैं उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहिए और इस क्षेत्र में काम करके एक समाज के प्रति और खुद के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए. नाम बता दीजिए आपका. आई एम डॉक्टर कीर्ति उदय, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डीन एकेडमिक्स IIHMR बैंगलोर. मेरा नाम तिरुमला नारायणन है, मैं IIHMR से पास आउट हूँ, 13 साल पहले कोर्स किया है. आज बहुत खुशी है इस प्रोग्राम में ज्वाइन करके हमारा फैकल्टी, हमारा टीचर, जूनियर सीनियर सब लोग मिल के बहुत अच्छा लगा और सबसे धन्यवाद मीडिया लोग आप लोग आए. मेरा सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन. पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ IIHMR को बेंगलोर से हमारे बीच में पढ़ाने वाले सभी प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन. वो अक्सर हमसे चर्चा करते थे कि सर हम लोग एक एलुमनी का फंक्शन करने चाह रहे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनको बुला के एक हेल्थ में सिंपोजियम करेंगे. तो इमीडिएटली हमने हाँ कहा और आज जब मुझे शरीक होने का मौका मिला, जैसे जैसे टॉपिक्स रखे थे वो बहुत ही यूजफुल है सोसाइटी के लिए. जैसे मुझे टॉपिक दिया गया था कि हेल्थ केयर पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या रहेगा, जब हमने इसको एनालाइज किया 1947 से और आज तक, तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. हमारे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन की प्रत्याशा क्या थी, 32 साल जीने की मौका मिलता था भारतवर्ष के नागरिकों को, आज 69 वर्ष पहुँच गई है. 1350 मातृ मृत्यु दर, 1000 जन्म बच्चे हो रहे हैं, तो हमारी 1350 माताएं कालकवलित हो जाती थी, आज 130 पे लाके खड़ा किया है. इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर 250 हुआ करती थी तब और अब हम लोग 30 के नीचे ले आए हैं. इसका मतलब हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मगर बढ़ती हुई तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है उसमें हमारे सब मानक बहुत छोटे और बौने दिखते हैं. तो हमें आज ज़रूरत है कि हम अपनी जनसंख्या के बारे में विचार करें, हम दो हमारे दो जो एक नारा था उसको चिंतित करें और प्रिवेंटिव मेडिसिन ने एक बहुत, जैसे भी कोविड वैक्सीनेशन में हमने देखा कि हम 98% टीकाकरण पूरे सिटीजन्स को कर लिया, 5,49,00,000. आप देख रहे हैं कि लहर आई वापस चली गई, लहर आई वापस चली गई, क्योंकि हमने अपनी जनसंख्या को पूर्णतः सुरक्षित कर लिया था. तो अब वैक्सीन का फ्यूचर है, हर बीमारी को बचाना ज़्यादा जरूरी है बजाय हम इलाज की ओर.